महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को शनिवार को आकाश टाइगर्स ने मुंबई पश्चिमी उपनगर द्वारा मुंबई T20 लीग के दूसरे सीजन के लिए बड़ी बोली लगाने के बाद 5 लाख रुपए में खरीद लिया। अर्जुन को ऑलराउंडर की श्रेणी में शामिल किया गया था। अर्जुन का बेस प्राइस 1 लाख रुपए था। सूर्य कुमार यादव, आकाश पारकर, शिवम दुबे, सिद्धेश लाड, पृथ्वी शॉ, जय बिस्सा, धुर्मिल मटकर, शुभम रंजन, तुषार देश पांडे, श्रेयस अय्यर, एकनाथ केरकर जैसे खिलाड़ियों को 6 फ्रेंचाइजियों ने अपने पास बरकरार रखा। आदित्य तारे, सरफराज खान, धवल कुलकर्णी और शम्स मुलानी को नई फ्रेंचाइजी ने चुना। सी मुंबई के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रास रूट के प्लेयर्स हैं, जो क्लब क्रिकेटर्स हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ परफॉर्मेंस करने का, ये लाइव मैचेस होते हैं तो इसमें से हम लोग को प्लेयर भी मिलते हैं मुंबई के लिए। और यू नो आगे जैसे देखा आपने लास्ट ईयर शिवम दुबे को कौन जानता नहीं था, उसने लास्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको IPL टीम मिली, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे जो क्लब क्रिकेटर्स हैं उनके लिए है। और कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट। मेरे हिसाब से मुंबई के क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। एक पहली बात तो ये लीग स्टार्ट हुई है और जो लोकल क्रिकेट में अच्छा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिकग्निशन है। आगे आके ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके एक स्टेप क्लोज़र आने के लिए, बड़े लीग्स में जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है और परफेक्ट टाइम पे हो रहा है ये ऑक्शन। और परफेक्ट जगह भी है प्लेयर्स को अपना स्किल्स और टैलेंट दिखाने के लिए और बहुत अच्छा होगा उनके लिए।